खाने पीने सोने और सांस लेने की बड़ी ज़रूरत होती है। इसके बगैर इंसान का चलना मुमकिन नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, उसी तरह ज़िंदा रहने के लिए मोहब्बत की भी बड़ी ज़रूरत है। आपके घर के अंदर बहुत सारे वसाइल मौजूद हों, घर भी कुशादा हो, अल्लाह के फजल से औलाद भी मिली हुई हो, ज़िंदगी की सारी आसानियां मौजूद हों, लेकिन घर में बसने वालों की अगर एक दूसरे से मोहब्बत ना हो, अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर प्यार ना हो, घर के माहौल में मोहब्बत ना हो, तो सारे रंग फीके हो जाते हैं। इंसान घर से जान छुड़ाता है, और अगर मोहब्बत हो तो पैसे थोड़े भी हों, मकान कच्चा भी हो, पर गुजारा बड़ा सोना होता है। इंसानी ज़िंदगी में मोहब्बत की, आप मैंने बहुत सारे ऐसे सरकारी मुलाज़मीन को देखा है, वो तबादला नहीं कराते, हालांकि उन्हें प्रमोशन भी हो रही है और तनख्वाह भी बढ़ रही है, लेकिन कहते हैं यहीं रहना है। क्यों जी? कहते दोस्तों से मोहब्बत हो गई, छोड़ के जाने को जी। बहुत सारी सहूलियात छोड़ दी, मोहब्बत नहीं छोड़ी। इंसानी ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत, कुछ लोग ना बिला वजह तलख हो जाते हैं, और इतनी तलखी उनकी तबीयत में आ जाती है कि उन्हें फिर ज़माने में कोई हुसन नज़र ही नहीं आता। मैं दोस्तों से एक बात अक्सर कहता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ कि आजकल हम रहते हैं नाराज़ लोगों के दरमियान, हर कोई किसी न किसी से नाराज़ है, हम नाराज़ लोगों के बीच रहते हैं, लिहाजा हमने भी ज़रा नाराज़ नाराज़ से रहना शुरू कर दिया है। किसी से भी पूछें तो वो नाराज़ है, कोई किसी से, कोई किसी से। अगर मिजाज मोहब्बत वाला हो जाए ना, प्यार वाला हो जाए, तो फिर इंसान की तबीयत भी मोहब्बत वाली हो जाती है। और मोहब्बत इतनी बड़ी नेमत है, अल्लाह का इतना बड़ा फजल है अगर ये मिले, कि ये इंसान को इत्मीनान कल्बी देती है। मोहब्बत तबीयत में ठहराव पैदा कर, आप कोई काम भी करते हैं, कोई भी, चलो जी अब बड़े हो गए, हूं ना कोई दोस्त आया जे पैसे लेके, जी अल्लाह खैर फरमाए, अल्लाह जजा दे, बात करने दे दी हमें, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तुसी बेच पैसे लेन दे, क्या बात है, आप बात सुने, आपकी मेहरबानी, अब ना उठे कोई दोस्त भी। अजीज दोस्त, याद रखेंगे आप, मोहब्बत तहम्मुल पैदा करती है, बुर्दबारी लाती है। आप जब मोहब्बत करते हैं तो आपके गिले खत्म होते हैं, जब मोहब्बत करते हैं तो शिकवे दूर होते हैं। जब बंदा मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारता है तो उसे अल्लाह ताला तसल्ली और सुकून अता फरमाता है। अल्लाह ताला ने जो दीन हमें अता किया है ना, दीन इस्लाम, इस दीन का अगर कोई और नाम रखा जा सकता है तो दीन मोहब्बत है। अल्लाह से भी मोहब्बत, रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत से भी मोहब्बत, औलिया से भी मोहब्बत, वालदैन से भी मोहब्बत, छोटों से भी मोहब्बत, गरीबों से भी मोहब्बत। बस तुम मोहब्बत करते चले जाओगे तो अल्लाह के महबूब बन जाओगे। कुरान हकीम ने फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते, अल्लाह ताला से बहुत प्यार करते हैं साहिब ईमान, शदीद मोहब्बत करते हैं। रब ताला से जब प्यार हो जाता है ना, फिर लंबी लंबी नमाजें पढ़ना आसान होता है, फिर दीन के लिए सख्त मुशक्कत करना आसान होता है। बड़ी सादी सी मिसाल है, आप समझ लें कि अपने बच्चों से बंदे को प्यार हो जाता है ना, अपने लिए तो उसके पास पैसे होते हैं, गुजारा होता है, बच्चों के लिए कोई नहीं ना, तो लोग 40-40 साल का प्रदेश नहीं काटते। और जो लोग बाहर गए होते हैं उनका हाल ये होता है कि जो उन्होंने कंबल पहले दिन खरीदा था ना, जब वापस आते हैं ना 40 साल के बाद, तो कंबल वही होता है, पीछे से बड़ा कुछ बदला इन वहां वो, तब क्यों? कि उन्हें मोहब्बत हो गई अपने बच्चों से। जब तक मोहब्बत नहीं होती तो इंसान घर नहीं चला सकता, तो मोहब्बत ना हो तो दीन कैसे चलेगा।
मिजाज में मोहब्बत। हमारे यहाँ लोग कहते हैं जनाब दोखी बड़े हैं, प्यार कैसे करें, आजमाइशें बड़ी, आजमाइशों ने तलख कर दिया है। तो मैं अर्ज करूंगा सबसे ज्यादा तकलीफें तो अंबिया पे आती हैं ना, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा सताया गया है। लेकिन हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस फरमाते हैं जब भी महबूब को देखा मुस्कुराते देखा। मिजाज मोहब्बत वाली। महबूब ने तो नहीं कहा कि क्योंकि आज बड़ा सताया है मुनाफिकों ने, लिहाजा किसी पे गुस्सा निकाल दिया जाए, माज़ अल्लाह। हुज़ूर ने तो नहीं फरमाया। आप अपने लहजे को बिला वजह तलख कर लेते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं जनाब हालात की सख्ती ने तलख कर दिया है। हालात ठंडे किस पे होते हैं? जितना बंदा बड़ा होता है उसके दुख भी उतने ही बड़े बड़े होते हैं। आपको अपने लहजे से तलखी को मिटाना है।